वेलकम बैक एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के 8वें मैच के बारे में। आपको मालूम ही होगा कि श्रीलंकन टीम बहुत ही गंदे तरीके से हार के आ रही है साउथ अफ्रीका से, वहीं पे पाकिस्तान की टीम जीती हुई थी। लेकिन आपको पता ही होगा इनका जो आखिरी मैच था वो नीदरलैंड से था, और आखिरी मैच में इनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप था। इनकी बॉलिंग की वजह से मैच को पाकिस्तान ने जीता। मैच बहुत रोमांचक होगा, उसका सबसे बड़ा रीज़न आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान की टीम को एशिया कप से अगर बाहर किसी ने किया था तो वो श्रीलंका थी। तो सबसे पहले उनका बदला, और दूसरा बड़ा पॉइंट अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखने के लिए पाकिस्तान भी अपनी पूरी मेहनत से खेलेगी, और वहीं पर श्रीलंका चाहेगी कि यार इस मैच में हम लोग कमबैक करें और हमारी वर्ल्ड कप की पहली विक्ट्री हो। तो बहुत रोमांचक मैच है, उसी के साथ साथ वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी, जहां हम लोग देखेंगे इस मैच में हमारे लिए कौन कौन से ऐसे प्लेयर है जो हमें आसानी से विन करवाएंगे। कल वाले मैच के लिए आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सभी को मालूम ही होगा कि जो कल वाला मैच था न्यूजीलैंड और नीदरलैंड का, वन साइडेड हम सभी लोगों ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया था, और पूरी कोशिश करेंगे कि इस मैच के अंदर जिसकी अभी आप वीडियो देख रहे हो ये भी हमारे लिए लाजवाब जाएं। और काफ़ी ट्रम्प कार्ड मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा अभी जो आपको इजीली विन करवा देंगे। उसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको पता ही होगा इस वीडियो में आप सबके लिए गिव अवे रहने वाला है, जिसमें ये तीन प्रोडक्ट हैं और इसमें से एक बंदा ऑलरेडी विन कर चुका है जिसने इस वीडियो पे पहला लाइक और पहला कमेंट किया। और ये गिव अवे हर वर्ल्ड कप की वीडियो में होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, जो लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियोस भी आपको मिले, और आने वाली वीडियोस में ये गिव अवे इसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओ। इवन अभी भी, क्योंकि फर्स्ट लाइक फर्स्ट कॉमेंट वाले जिसने भी ये किया उस बंदे को इन तीनों में से एक प्राइज मिल चुका है, बट स्टिल दो गिव अवे के प्रोडक्ट अभी भी इस वीडियो के अंदर गिव अवे के रूप में अवेलेबल है जो आप आराम से विन कर सकते हो। कैसे विन कर सकते हो वो अभी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना ताकि सारी चीज़ें समझ में भी आए, गिव अवे भी विन करो और मैच में भी अच्छा प्रॉफिट अर्न करो, ठीक है। गिव अवे ओनली फॉर उन्हीं के लिए जो चैनल के सब्सक्राइबर्स है और जो वीडियो को लाइक करेंगे, ध्यान रख के चलना इस बात का। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, तो आप सबका सबसे इंपॉर्टेंट काम है टेलीग्राम से ज्वाइन होना। उसका रीज़न क्या है, मैच की जो टीम होगी, आप सबको पता है गेम डिसाइड करती है टॉस के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनता है, तो फाइनल टीम जैसे हर मैच की टेलीग्राम पर आती है उसी तरीके से इस मैच की भी फाइनल टीम टेलीग्राम पर आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कॉमेंट बॉक्स में भी है, जहाँ से आप चाहो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ इस मैच के बारे में, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने लीग इलेवन डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन जो सबसे कम एंट्री फीस लेता हो और आपको वही प्राइस देता हो जो ड्रीम इलेवन देता है। आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कुछ समझाऊँ तो सबसे पहले आपको एक एंट्री फीस का कंपेरिजन करना है, जो ड्रीम इलेवन 3850 रुपये में 10,000 का अमाउंट देता है, सेम प्राइस आपको 3367 में लीग इलेवन देगा। ओनली 1% प्लेटफॉर्म फीस है, 1%, यानी कि 5750 रुपये का जो कॉन्टेस्ट आप लोग ड्रीम इलेवन पे खेलते हो, हेड टू हेड की बात कर रहा हूँ, सेम कॉन्टेस्ट आपको 5050 का लीग इलेवन पे मिलेगा। इससे कम एंट्री फीस कहीं हो ही नहीं सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो डाउनलोड नहीं किए वो ज़रूर कर ले। उसके अलावा इंस्टेंट विड्रोवल से 24/7 चैट सपोर्ट, मतलब आपकी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो आपका सोल्व हो जाएगी। डेली गिव अवेज है, इवन मेरी तरफ से आपको पता होगा जो रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं, जो सही तरीके से फॉलो करके रखे हैं, हर संडे टू संडे मोबाइल का भी गिव अवे आता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो न्यूज़ है, अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है कि भाई कोई इंजर्ड हो, कोई नया प्लेयर आया हो, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। जैसे ही आती है मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेन्यू की, कि इस वेन्यू पे होता क्या है और इस मैच में क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैच होगा ये राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहाँ पे आप बैलेंस विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए आखिरी के जो यहाँ पे 4 मैचेस खेले गए उसमें 2 मैच बैटिंग फर्स्ट जीती है और 2 मैच बॉलिंग फर्स्ट जीती है। आखिरी के दोनों मैच बॉलिंग करने वाली मैच जीती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख के चलना। जो टीम पहले बॉलिंग करती है हाई पॉसिबिलिटी है कि वो विन कर सकती है। हालांकि देखिए 50-50 का आंकड़ा रहा है, कोई भी बैटिंग करे कोई भी बॉलिंग करे ज़्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 मैचेस में 50-50 वैसे ही हो रहा है।
बट स्टिल आपको और आसानी से अगर मैं समझाऊं तो यहां से आपको समझ में आएगा कि तीन मैच बैटिंग करने वाली एक्स्ट्रा जीती हुए बॉलिंग करने वाली टीम से, इसीलिए मैंने बोला है कि बैटिंग करे बॉलिंग करे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्कोरिंग पैटर्न की बात आती है, 250 से 299 के बाद जो बीच का स्कोर है वो 10 बार है, फिर 200 से 249 के बीच 7 बार, 200 से नीचे 6 बार और 300 से ऊपर 4 बार। 300 से ऊपर की उम्मीद मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि दोनों टीमें ऐसी टीम है जिनका टॉप ऑर्डर अगर फ्लॉप हो जाता है तो काफ़ी रेयर केस है कि भाई वो 300 प्लस का स्कोर होगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो एवरेज स्कोर मैंने दिया हुआ है 280-290, और वो भी तब जब कोई ना कोई टॉप ऑर्डर का प्लेयर टिका हो। फॉर एग्जांपल के लिए श्रीलंका से जैसे मेंडिस जैसा प्लेयर टिका हो जो तेजी के साथ स्कोर करे, और पाकिस्तान की तरफ से जैसे फखर जमान, बाबर आजम कोई भी टिका, तो स्कोर आपको इतना ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और बैलेंस विकेट में लास्ट जो यहाँ पर मैच खेला गया था उसमें 18 विकेट गए, पैसर्स ने 12 विकेट लिए और स्पिन बॉलर्स ने 6 विकेट लिए। देन यहाँ हिस्टोरिकली नेचर की बात करें तो पैस बॉलिंग को 60% हेल्प मिलती है, मतलब ज़्यादातर जो विकेट्स आते हैं वो पैसर्स के पास और उसके बाद स्पिनर्स के पास। और ये बात ध्यान रखना, ये इंडियन को जो भी मतलब ग्राउंड होते हैं आपको पता ही होगा कि फर्स्ट इनिंग के अंदर पैसर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और सेकेंड इनिंग के अंदर स्पिन बॉलर्स। तो जो भी टीम पहले बैटिंग करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान बैटिंग करती है तो उनके तो, लेकिन बट वही बात है यहाँ पे आप ये आंकड़ा गलत हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनर उतने इफेक्टिव नहीं है जितने फास्ट बॉलर है, लेकिन ये आंकड़ा श्रीलंका की तरफ जरूर बैठेगा। उसका रीज़न क्योंकि श्रीलंका के स्पिनर यहाँ पे गेम में जरूर आएंगे जैसे ही टीम पहले उनकी बैटिंग करती है, ठीक है, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी टीम बैटिंग करेगी और स्पेशली श्रीलंका, तो उनके फास्ट बॉलर नहीं बल्कि उनके स्पिन बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, ध्यान रख के चलना। देन यहाँ हम बात करते हैं प्रोबेबल इलेवन, रिसेंट, पहले रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं। तो रिसेंट फॉर्म के लास्ट के पाँच में तीन मैच हारी हुई है श्रीलंका, और लास्ट के पाँच में से पाकिस्तान का एक मैच नो रिजल्ट है और चार में से दो विन दो लॉस। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो 55% जो चांसेज है वो है पाकिस्तान के फेवर में और 45 चांसेज है श्रीलंका के फेवर में। हेड टू हेड की बात आती है तो पाकिस्तान की टीम ज़्यादा मैचेस जीती हुई है, और फिलहाल अगर आप देखोगे पाकिस्तान काफ़ी सॉलिड भी है कंपैरिजन टू श्रीलंका। देन यहाँ हम बात करते हैं प्रोबेबल इलेवन की। फखर जमान, इमामुल हक ओपन करेंगे, बाबर आजम वन डाउन, फिर मोहम्मद रिजवान, सोद शकील जो बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट आपको पता ही होगा आगा सलमान का इनको मिला है, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, नवाज, हसन अली, शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ, ये एक्सपेक्टेड लाइनअप और ये बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हम बात करते हैं लेफ्टी और राइटी की। तो गाइज देखिए, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट है तो एक्सपेक्टेड है अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो एक्सपेक्टेड है कि 8 नंबर तक बैटिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दो पावर प्ले में लेफ्टी है तो सामने से जो भी ऑफ ब्रेक बॉलर होगा वो मस्ट नीडेड होगा आपके लिए, ठीक है। तो कितने और लेफ्टी है, 1, 2, 3, 4 लेफ्टी है। अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है तो सामने जो श्रीलंका की टीम से ऑफ ब्रेक होगा, कौन ऑफ ब्रेक कौन लेग ब्रेक अभी बताऊंगा मैं, वो मस्ट नीडेड होगा, ध्यान रख के चलना। अगर ये पहले बॉलिंग करती है तो उस केस में वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्कोर श्रीलंका नहीं कर पाई तो फिर कहाँ तक बॉलिंग लेके चलेगी टीम, ठीक है। फिर तो वो रन बचाने के चक्कर में स्पिनर्स को नहीं बल्कि पैसर्स को बोल देंगे। देन यहाँ हम बात करते हैं मेन बॉलर्स की। तो देखिए, शादाब, नवाज, हसन, शाहीन और हारिस, इनके प्रॉपर मेन बॉलर है, इनको असिस्ट करेंगे इफ्तिकार अहमद जो एज ए बैकअप के रूप में इनके पास आने वाले हैं। सामने अगर देखिए, ये एकमात्र ऑफ ब्रेक बॉलर है, सामने अगर लेफ्टी ज़्यादा है तो हाई चांसेज है 7 से 8 ओवर इफ्तिकार अहमद आपको जरूर देगा, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करते हैं बेंच की। तो बेंच में 4 प्लेयर है, पावर प्ले में हसन अली और शाहीन शाफरीदी, डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। अब यहाँ हम बात करते हैं अगेंस्ट किस प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड है और उसकी वेन्यू पे कैसा रिकॉर्ड है। फर्स्ट बात करेंगे हम लोग फखर जमान की। आखिरी मैच जो यहाँ पे हुआ था वो इसी ग्राउंड पे हुआ था, 12 रन इन्होंने बनाए थे। और रिसेंट फॉर्म की बात आती है, देखिए ये 12 रन का जो स्कोर है वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, वो इसी वेन्यू का स्कोर है। और अगर मैं अगेंस्ट श्रीलंका की बात करता हूँ तो एक मैच में बिल्कुल फ्लॉप, मतलब 4 रन का स्कोर, और ये एशिया कप का ही था, और बाकी के पिछले जो मैचेस इन्होंने खेले उसमें इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। तो फखर जमान एक ऐसा प्लेयर जो, बट ये वो वाला बंदा है ना जो विकेट फेंक देता है। तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप वन साइडेड कॉम्बिनेशन बना रहे हो पाकिस्तान के फेवर में स्पेशली, तो बिल्कुल ड्रॉप मत करना। और अगर आप एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो उस केस में, क्योंकि यार ये तेजी के साथ रन बनाने के चक्कर में क्या विकेट फेंक ही देता है, इसीलिए ये थोड़ा रिस्की भी है। इमामुल हक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर,
फखर जमान से बहुत ही शानदार, और ये बिल्कुल भी विकेट नहीं फेंकेगा। अगेंस्ट का रिकॉर्ड अगर देखोगे वो भी बहुत अच्छा है, और रिसेंट फॉर्म लेकिन इनकी लास्ट के 3 मैचेस में काफ़ी गंदी है। आखिरी मैच में ये फ्लॉप हो गए थे, बट स्टिल फखर और इमाम में इमाम मस्ट नीडेड है। उसके बाद बाबर आजम कैप्टनसी के बेस्ट ऑप्शंस, और उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं रिसेंट इनिंग की तो वो भी काफ़ी अच्छी है, और अगेंस्ट रिकॉर्ड भी इनका काफ़ी अच्छा है। मोहम्मद रिजवान ये भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ODI फॉर्मेट है, तो बैटिंग करे तो और भी ज़्यादा, बॉलिंग करे तब भी है, मतलब मस्ट नीडेड प्लेयर है क्योंकि ODI फॉर्मेट है, इतना स्कोर तो श्रीलंका भी कर ही देगी कि इनकी बैटिंग आएगी आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं बाकी प्लेयर, सोच शकील है टीम में, जैसे पहले बैटिंग आती है ठीक है तब तो इम्पोर्टेंट बनेंगे, और वो भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि देखिए अगर आप चाहो तो लो, लेकिन ग्रैंड लीग में ज़्यादा बेस्ट होंगे। स्मॉल लीग के लिए एक ही कंडीशन बेस्ट होगी, जब बैटिंग आई टीम की, बॉलिंग आती है और अगर श्रीलंका ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाई तो वेस्ट पिक होगा, मतलब बिल्कुल बेकार पिक जाएगा। इफ्तिकार अहमद सामने लेफ्टी अगर है तो मस्ट नीडेड, और अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं इनको लेने का, और स्पेशली पहली बैटिंग पे तो बिल्कुल ही नहीं। उसके बाद बॉलिंग पे सॉरी, उसके बाद शादाब खान है, शादाब खान पूरे 10 ओवर करेगा, मस्ट नीडेड है, विकेट टेकर है, लेना ही पड़ेगा। नवाज भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हसन अली भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस तरीके से बंदा बॉलिंग कर रहा था, अगर आप लाइव मैच देख रहे होंगे आपको पता ही होगा, शानदार बॉलिंग, लाजवाब बॉलिंग कर रहा था, और उम्मीद करता हूँ इस मैच में भी अगर हम ले तो विकेट्स तो कम से कम ले लें। उसके बाद शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ है, शाहीन आफरीदी ने 2 विकेट निकाले अगेंस्ट श्रीलंका, और पिछले मैच में 1 विकेट, और हारिस रऊफ का पहला मैच होगा, इंजर्ड हो गए थे आपको बताइए, और आखिरी जो इस मैच में, मतलब इस मैच से पहले जो आखिरी मैच था इसी वेन्यू पे था, उसमें इन्होंने 3 विकेट लिए। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक सी है, बेंच के ये प्लेयर्स है जो मे भी खेले, हालांकि चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम जीत के आ रही है। अब यहाँ से हम बात करते हैं स्कोर कार्ड की, हाईएस्ट स्कोरर जो थे वो सोच शकील थे, और विकेट्स की बात आती है तो 3 विकेट हाईएस्ट थे और वो लिए थे हारिस रऊफ ने। मेन बॉलर देखिए हारिस, हसन, शाहीन, नवाज और शादाब है। इफ्तिकार केवल तब बॉलिंग करेगा जब लेफ्टी है सामने। अब हम क्लियर कर लेते हैं कि लेफ्टी है कौन। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे श्रीलंका की टीम की, तो कुशाल परेरा क्योंकि आखिरी मैच में खेला था, हालांकि आखिरी मैच में फ्लॉप रहा था बंदा, तो एक लेफ्टी तो ये रहा, उसके अलावा असालंका दो लेफ्टी है, तो ये जब तक ग्राउंड पे रहेंगे तब तक हाई से हाई पॉसिबिलिटी है इफ्तिकार बॉलिंग करेगा। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि इसको तो पावर प्ले में या तो हसन अली या शाहीन आफरीदी, क्योंकि इसकी फॉर्म बहुत गंदी है, परेरा की फॉर्म बहुत गंदी है, तो मैं इनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद लगा नहीं रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और इनकी तरफ से अगर मैं बात करता हूँ ऑफ ब्रेक बॉलर्स की, तो वो है धनंजय डी सिल्वा। पाकिस्तान की पहली बैटिंग पे धनंजय डी सिल्वा मस्ट नीडेड प्लेयर, और इसके अलावा दूसरा ऑफ ब्रेक बॉलर जो है असलंका है, ध्यान रखना, हालांकि मेंशन नहीं है लेकिन असलंका ऑफ ब्रेक बॉलर, तो ये दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और स्पेशली धनंजय डी सिल्वा, ठीक है। देन यहाँ से मेन बॉलर्स की बात आती है तो रजिता है, वेलालगे है, मथीशा पाथिराना, डी मधुशंका, और उसी के अलावा ये 4 तो फिक्स हैं, अब बचे जो ओवर्स हैं वो इन तीनों में डिवाइड होंगे, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं बेंच की, तो वे बेंच के 4 प्लेयर पावर प्ले में आखिरी मैच की तरह रजिता और दिलशान मधुशंका, और डेथ हॉर्स में पाथिराना और रजिता। अब यहाँ हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट किस प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड है, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से ही आपकी टीम में प्लेयर होना चाहिए। देन यहाँ से सबसे पहले जो पाथुम निशंका है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक, अगेंस्ट पाकिस्तान 1 मैच है जिसमें 29 रन, और वेन्यू पे पहला मैच होगा। अब कुशाल परेरा का ध्यान देना, इस प्लेयर को बहुत सारे लोग ड्रॉप करेंगे, इवन स्मॉल लीग की टीम में इनकी फॉर्म खराब होने के कारण मैं भी ड्रॉप करूंगा, बट लेकिन आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो ग्रैंड लीग वगैरह खेलते हैं, रिकॉर्ड देखिए पाकिस्तान के अगेंस्ट लास्ट के 5 मैच में 1 मैच में 100 है और 1 मैच में 68 है। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे कम सिलेक्शन अगर किसी प्लेयर का है ना वो यही है, तो जो भी ग्रैंड लीग वगैरह खेलते वो इनको ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली जब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस आप श्रीलंका के फेवर में बना रहे हो तो मस्ट नीडेड। स्मॉल लीग में नहीं लेने का रीज़न इनकी फॉर्म है, केवल और केवल इनकी फॉर्म, बाकी प्लेयर बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। देन कुशाल मेंडिस नो डाउट बहुत ही तगड़ा प्लेयर, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्लेयर, मस्ट नीडेड है, आपको अगर श्रीलंका से कोई पहला प्लेयर लेना है तो वो यही होगा। सदीरा विक्रम सेकारा, तो यहाँ से अगेंस्ट पाकिस्तान 4 मैच में 3 में फ्लॉप है, 1 में 48 का स्कोर है। उसके बाद हम बात करते हैं बाकी प्लेयर, असलंका अगेंस्ट पाकिस्तान 1 मैच ODI का जिसमें 49 रन, वेन्यू पे पहला मैच होगा, धनंजय डी सिल्वा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान की पहली बैटिंग पे, आखिरी 2 मैचेस जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला है उसमें बिल्कुल फ्लॉप है, रिसेंट इनिंग ठीक ठाक है, शनाका क्योंकि बॉलिंग कर रहा है और बैटिंग मोस्ट लाइकली आएगी आएगी क्योंकि इनके
अगर आप देखोगे टॉप ऑर्डर उतना कुछ खास है नहीं, तो निशंका को लोग लेंगे, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा निशंका से कहीं ज़्यादा बेस्ट होगा शना का, क्योंकि निशंका ओपन करेगा और पावर प्ले में शाहीन आफरीदी हसन अली दोनों बेस्ट ऑप्शन से टिकने वाली बात होगी, वरना हाई से हाई पॉसिबिलिटी विकेट फेंक देगा। ये बंदा आपको बॉलिंग बैकअप भी देगा और बैटिंग शानदार शानदार परफॉर्मेंस है। दुनित वेलाल ये है, वेलाल ये 10 ओवर भी करेगा और बैटिंग आने पे बैटिंग भी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा मेंडिस के बाद वो यही होगा रजिता, टीम की पहली बॉलिंग पे जरूर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको डेथ हॉर्स में बॉलिंग देगा और पहले बैटिंग पे आप इग्नोर कर सकते हो। पाथिराना एक विकेट टेकर बॉलर, बॉलिंग पे मच नीडेड, बैटिंग पे इग्नोर करने का सोच सकते हो, हालांकि मना मैं इसलिए करूंगा क्योंकि बॉलिंग पे भी ये विकेट निकाल ही लेता है, 3 विकेट अगेंस्ट ऑलरेडी निकाला हुआ है। और उसके अलावा दिलशान मधुशंका आप चाहो तो लो और चाहो तो ड्रॉप करो, मैं बिल्कुल भी नहीं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मेनली जो मेन प्लेयर है उसमें पाथिराना है, उसके अलावा वेलालगे है, उसके अलावा पहली बैटिंग पे धनंजय डी सिल्वा और कुशाल मेंडिस, ये 4 प्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी उसके अलावा कुछ खास प्लेयर इनके पास है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमें 7 प्लेयरों को लेना ही लेना है। स्कोर कार्ड की हम बात करते हैं जो आखिरी मैच हुआ था, इसमें देखिए दिलशान मधुशंका 10 ओवर में 2 विकेट निकाले, पाथिराना 1 विकेट, दुनित वेलाल के 1 विकेट, 2 प्लेयर्स विकेट लेस थे जिसमें शनाका और आपका धनंजय डी सिल्वा, बैटिंग में हाईएस्ट स्कोरर थे कुशाल मेंडिस और उनके बाद दसुन शनाका। ठीक है, शनाका ने बॉलिंग की थी 6 ओवर, इसीलिए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि फ़खर जमान जैसे लोग 3 प्लेयर्स तो लेंगे बैटिंग में, फ़खर, बाबर और इमाम, तो फ़खर को अगर आप मतलब थोड़ा सा रिस्क लेके ड्रॉप कर सकते हो, शना का बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि बॉलिंग भी देगा और बैटिंग तो करेगा ही। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल स्टेज गिव अवे की। सबसे पहले अभी भी जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ज़रूर कर लें, क्योंकि गिव अवे उन्हीं के लिए जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दे, और तीसरा कॉमेंट जो आप लोग कर रहे हो उसके अंदर लोगो लगा होना चाहिए। तो गिव अवे क्या है, देखिए आपको क्या करना है, कॉमेंट करना है, अगर आपके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होते हैं तो आप विनर हो, कुछ भी कमेंट आप कर सकते हो। और दूसरा जो एक विनर बचा हुआ है वो ऐसे आएगा लकीली, मतलब कोई भी आपने कमेंट किया एक बंदा सेलेक्ट किया जाएगा और वो विनर बन जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, विनर ओनली सब्सक्राइबर्स ही होंगे। अब हम बात करते हैं टेलीग्राम की। ऑब्वियसली बात है, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि गेम डिसाइड करेगी टॉस, फाइनल टीम टॉस के हिसाब से टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं टीम की। तो मेरे भाई देखिए, टीम मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मेंडिस और रिजवान दोनों मस्ट नीडेड प्लेयर हैं, लेने ही लेने। परेरा को आप लोग ग्रैंड लीग की टीमों में जरूर ट्राई करना, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि परेरा का रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान कैसा है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में बाबर आजम, इमामुल्लाह काफ़ी कम सेलेक्टेड है लेकिन इमामुल्लाह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। देन उनके बाद दसून शनाका, ये 3 मस्ट नीडेड प्लेयर है जिनको मैंने ले रखे हैं। फ़खर जमान को मैं तभी लूँगा जब पाकिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करेगी, बैटिंग करेगी तो मैं एक बार के लिए इनको आराम से इग्नोर कर सकता हूँ, और बॉलिंग करेगी तो वो भी तब लूँगा जब वन साइडेड कॉम्बिनेशन बनाऊँगा। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में धनंजय डी सिल्वा, देन यहाँ पर हम पिक करेंगे धुनित वेलाल के, ये 2 मस्ट नीडेड प्लेयर। बॉलिंग सेक्शन में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली। अभी जो आप लोग स्क्रीन पे टीम देख रहे हो ये टीम 10 प्लेयरों की टीम है। अब जो एक प्लेयर बचा हुआ है ये टॉस की कंडीशन के बेस पे, फॉर एग्जांपल अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग की तो उस केस में पाथिराना फाइनल प्लेयर होगा अगर उसने पहले बॉलिंग की तो, और जैसे ही बैटिंग करती है श्रीलंका तो उस केस के अंदर मेरी टीम में पाथिराना की जगह पे यहाँ पे मैं ले लूँगा असालंका को। ठीक है, ध्यान रख के चलना, ये मेरी टीम है। कैप्टनसी की बात आती है, बाबर आजम मेरे कैप्टन रहेंगे, और वीसी अगर बॉलिंग करती है टीम तो हारिस रऊफ, और अगर बैटिंग करती है टीम पाकिस्तान की तो शादाब खान। बाकी जो भी चेंजेस होंगे वो फिर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरी टीम है, आपका जो मेन काम बचा हुआ है वो है टेलीग्राम ज्वाइन करना, और जिसने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो भी कर ले, क्योंकि फ्री में यार आपको प्राइज मिल रहा है, और आने वाली वीडियोज़ में भी ऐसे ही गिव अवेज रहेंगे। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और उसके अलावा लोगो जरूर लगा लेना, क्योंकि विनर्स ये 3 ही कंडीशन वाले, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जब कर रहे हो तो लोगो लगाना चाहिए। ठीक है, यही था इस वीडियो में, बाकी सारा काम टेलीग्राम पे होगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।